लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का सम्मान समारोह ककरोई रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता पार्टी के महासचिव प्रदीप जांगड़ा ने की, जबकि मंच संचालन जिलाध्यक्ष रणबीर बाजवान ने किया। चंडीगढ़ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो एवं कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी ने प्रदीप जांगड़ा और राजकुमार शर्मा को, प्रदेश महासचिव हंसराज बैरागी को लोकसभा प्रभारी और रणबीर बाजवान को जिला अध्यक्ष शहरी व बिजेंद्र को ग्रामीण अध्यक्ष बनाया था। उसी को लेकर शुक्रवार को सोनीपत जिले के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें प्रदेश महासचिव प्रदीप जांगड़ा और राजकुमार शर्मा, लोकसभा प्रभारी हंसराज स्वामी, शहरी जिलाध्यक्ष रणबीर बाजवान व ग्रामीण अध्यक्ष बिजेंद्र का कार्यकर्ताओं ने पगड़ी और फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया। प्रदेश महासचिव प्रदीप जांगड़ा ने कहा कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जींद उपचुनाव में पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि दूसरे दलों ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की जिला सोनीपत की कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें चौधरी राजकुमार सैनी जी ने पिछले दिनों नव निर्मित पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके सम्मान के लिए आज जिले से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और राजकुमार जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने रणबीर बाजवान जी को शहरी जिलाध्यक्ष, विजेंद्र सैनी को ग्रामीण जिलाध्यक्ष और राजकुमार शर्मा जी को प्रदेश महासचिव और प्रदीप जांगड़ा जी को प्रदेश महासचिव बनाया है। हम सैनी साहब के बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। आज की जो मीटिंग है, आज सम्मान समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं और जींद रैली के लिए आगे की रणनीति हमने तैयार करनी है। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाएंगे और जींद इलेक्शन के लिए वहाँ कार्यकर्ता को जिले से भेजेंगे ताकि वो कंपेनिंग करे और जो हमारे कैंडिडेट है विनोद दासरी जी, उसके समर्थन में लोगों से वोट मांगे और उनको जिताने की अपील करें।